कुछ दिन पहले एक पेशेंट आए थे मेरे पास। उनकी उम्र लगभग 35 ईयर्स रही होगी। उनका परेशानी थी कि उन्होंने मुझे बोला कि पहले जब वो कम उम्र के थे, 18 साल या 20 साल के थे, तो अगर उनके मन में भी कोई सेक्स संबंधी विचार आता था तो उनको इरेक्शन होता था या फिर लिंग में तनाव आता था। और उनका कहना था कि अब ऐसा नहीं होता है। अब जब तक वो अपने हैंड्स से पीनिस को टच नहीं करते हैं या फिर उनके पार्टनर उनको टच नहीं करते हैं, तब तक उनको इरेक्शन नहीं हो पाता। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या ये एक बीमारी है। तो क्या ये बीमारी है या नहीं, ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि इरेक्शन कितने तरीके का होता है और किस टाइप से होता है। इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो ये जो इरेक्शन होता है या जो लिंग में तनाव होता है, ये कितने तरीके से हो सकता है? देखिए, जो पहला तरीका होता है उसको हम बोलते हैं साइकोजेनिक इरेक्शन। साइकोजेनिक मतलब आपके मन में कोई सेक्स संबंधी विचार आया, उससे इरेक्शन हो गया, या फिर आपने कुछ देखा, मान लीजिए आपने कुछ पोर्नोग्राफिक वीडियो देख लिया, उससे इरेक्शन हो गया, या आपने कुछ सुना ऐसा सेक्सुअल वाली कोई आवाज़ सुन ली, उससे इरेक्शन हो गया। जो भी चीज़ें आपकी इमेजिनेशन पे या देखने पे या सुनने पे, इन चीज़ों से जब इरेक्शन होता है तो इसको हम बोलते हैं साइकोजेनिक इरेक्शन। अब ये साइकोजेनिक इरेक्शन जो होता है, ये यंग एज में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जो लोग अपने लाइफ के सेकेंड डिकेड में हैं, 15 साल, 18 साल, 20 साल, या फिर थर्ड डिकेड में यंग लोग, 20, 21, 22, 25 साल, उन लोगों में सबसे ज़्यादा साइकोजेनिक इरेक्शन होता है। अगर आपको भी, अगर आप इस एज के बियॉन्ड, अगर आप अपना भी बचपन याद करें, अपना किशोरावस्था या फिर एडोलेसेंस याद करें, तो आपको भी याद होगा कि अगर उस टाइम पे कुछ फोटोग्राफ भी दिख जाए कुछ ऐसी सेक्सुअल कनोटेशन वाली, तो उससे भी इरेक्शन हो जाता था। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एक दूसरा इरेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स इरेक्शन। अब ये रिफ्लेक्स इरेक्शन क्या है? ये वो इरेक्शन है जो कि टच से, आपका खुद का टच या फिर आपके पार्टनर का टच, उससे जो इरेक्शन आता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स इरेक्शन। ऐसा पाया गया है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिफ्लेक्स इरेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है इन कंपैरिजन टू साइकोजेनिक इरेक्शन। और एक थर्ड टाइप का इरेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल इरेक्शन, जो रात में सोते समय आता है। अच्छा, जो साइकोजेनिक इरेक्शन और जो रिफ्लेक्स इरेक्शन, पहले दो टाइप के जो इरेक्शन थे वो सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर सेक्सुअल ख्याल से आपके इरेक्शन आते थे, लेकिन ये जो नॉक्टर्नल इरेक्शन है, रात में सोते समय जो इरेक्शन है, ये बिना किसी सेक्सुअल थॉट के या बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के आता है। आपकी जो नींद है उसके दो पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं NREM, एक को हम बोलते हैं REM। NREM इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, REM इज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये जो REM स्लीप है, इसके साथ इरेक्शन जो एसोसिएटेड होता है उसको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल इरेक्शन। अभी जो नॉक्टर्नल इरेक्शन आपके सोने के टाइम पे होते हैं वो तो आपको पता चलते नहीं है, बट कई बार जब इंसान सो के उठता है उस टाइम पे अगर इरेक्शन हो रखा हो तो इंसान उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। इसलिए कई बार इसको हम लोग अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन भी कहते हैं, या फिर कई बार इंग्लिश भाषा में मॉर्निंग बोनर भी कहते हैं। अब ऐसा पाया गया है कि ये जो मॉर्निंग इरेक्शन है, कई बार यूरिनेशन करने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो कई बार लोगों को लगता है कि इसका संबंध यूरिनेशन से है, बट ऐसा नहीं है, इसका संबंध बेसिकली REM स्लीप से है। ये मॉर्निंग इरेक्शन की इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर किसी को शारीरिक तौर पे दिक्कत है, मान लीजिए कोई पेशेंट है उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या फिर लिंग में तनाव ठीक से नहीं आता, और अगर हमें लगता है कि उसको कोई शारीरिक दिक्कत है, मतलब ब्लड का फ्लो ख़राब है या नर्व की फंक्शनिंग ख़राब है, तो उस केस में हम कहते हैं कि मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं आएगा, नॉर्मल सेक्सी टाइम इरेक्शन नहीं आएगा और मॉर्निंग में भी नहीं आएगा। और अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ एंगजाइटी की वजह से इरेक्शन नहीं हो रहा है, लिंग में तनाव नहीं आ रहा है सेक्स के टाइम पे एंगजाइटी की वजह से, तो ये हम कहते हैं कि सेक्स के टाइम पे तो इरेक्शन नहीं आ रहा, लेकिन जब आप सो के उठेंगे उस टाइम पे इरेक्शन आ जाएगा। ये इसका यूज़ होता है, मॉर्निंग इरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर इसमें एक और कैच है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंग्शियस है या बहुत ज़्यादा डिप्रेस स्टेट में है, बहुत उदासी में है, तो भी मॉर्निंग इरेक्शंस ना आए, ऐसा हो सकता है। तो हर वो व्यक्ति जिसको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसके शरीर में कोई दिक्कत आई गई है। ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ है, इतना ज़्यादा डरा हुआ है, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड है कि उसको इरेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये तीन टाइप के इरेक्शन होते हैं, नॉक्टर्नल इरेक्शन, रिफ्लेक्स इरेक्शन और साइकोजेनिक इरेक्शन। वापस आते हैं, वो जो व्यक्ति थे 35 साल के जो पूछ रहे थे कि अब उनको इरेक्शन ठीक से नहीं होता सोचने पे, बट टच करने पे हो जाता है, तो क्या वो एबनॉर्मल है? आंसर है नहीं, वो एबनॉर्मल नहीं है। अगर उनका बाकी सेक्सुअल फंक्शनिंग नॉर्मल है तो सिर्फ इस चीज़ पे हम उनको एबनॉर्मल नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे रिफ्लेक्स इरेक्शन बढ़ता है और साइकोजेनिक इरेक्शन कम होता है। ये तो ही टाइप्स की बात।
इरेक्शन होने के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। जो लिंग है, पीनिस है, उसमें केमिकल रिलीज़ होता है जब आप सेक्सुअली एक्साइटेड होते हैं, और वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। नाइट्रिक ऑक्साइड ही वो केमिकल है जो कि लिंग में ब्लड के फ्लो को इंक्रीज़ करवा के इरेक्शन करवाता है। और जो हम लोग बोलते हैं कि आप स्मोकिंग मत करिए, आप हेल्दी रहिए, आप वेट ठीक रखिए, इस सब का भी रीज़न यही है, क्योंकि कम से कम स्मोकिंग के साथ पाया गया है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड की वैल्यू होती है वो काफ़ी कम हो जाती है पीनिस में, और इरेक्शन कम हो जाता है। तो ये सब जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई बार लोग नॉर्मल फिनोमिना को भी गलत समझ बैठते हैं, आप नॉर्मल समझ बैठते हैं, अपने आप को बीमार मान लेते हैं, और उसके बाद घबराहट में इतना चला जाते हैं कि वो दिक्कत बढ़ती चली जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को थोड़ा समझ पाए होंगे। और दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है सेक्सुअल असॉल्ट्स का हमने, उसका एक ही मकसद है हमारे देश में और हमारे पड़ोसी मुल्कों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में और सेक्सुअल फंक्शनिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना। क्योंकि हमने देखा है, एज अ डॉक्टर मैंने प्रैक्टिस करते हुए देखा है कि लोगों को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, और उसी को डिसेमिनेट करना, उसी को बढ़ाने के लिए चैनल हमने बनाया है। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।